नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हस्त रेखा पर जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के बारे में बहुत सारे अपने विचार व्यक्त करूंगा। भाग्य रेखा का एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा और भाग्य रेखा से संबंधित इस वीडियो के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है कि यदि आप उन सभी वीडियोस को भाग्य रेखा पर ही 5-6 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो के सहित आगे भी, तो उन्हीं सभी वीडियोस से आपको भाग्य रेखा के अलग अलग प्रकार, भाग्य रेखा की बनावट, भाग्य रेखा की स्थिति, दिशा, भाग्य रेखा किस प्रकार की भाग्य रेखा अधिक फलदायी होती है, शुभ होती है, किस प्रकार के भाग्य रेखा वाले भाग्यशाली होते हैं और कौन सी रेखाएँ अपवाद का कारण या भाग्यहीनता का कारण बन सकती हैं, किसकी कैसी, यानी कि भाग्य रेखा के हर पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। तो आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा और तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह की भाग्य रेखा बहुत अच्छी, शुभदायी और फलदायी होती है, जिससे कि व्यक्ति भाग्यशाली होता है। तो आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा की स्थिति और उसकी दिशा की तरफ, कि भाग्य रेखा किस दिशा की तरफ जानी चाहिए या जिस दिशा में जाती है तो क्या फल मिलता है और भाग्य रेखा की स्थिति क्या होनी चाहिए, किस स्थिति के अकॉर्डिंग भाग्य रेखा फल देगी। तो आइए जानते हैं भाग्य रेखा की स्थिति और दिशा के बारे में। मित्रों, भाग्य रेखा यदि सीधी जाकर शनि पर्वत को भेदती हो या शनि पर्वत पर पहुंचती हो तो ऐसे व्यक्ति उस भाग्य रेखा से काफ़ी सौभाग्यशाली होते हैं और असाधारण रूप से अपने जीवन में उन्नति करते रहते हैं। यानी कि जिन लोगों के लिए उन्नति करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे लोग बहुत आसानी से उन्नति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यदि भाग्य रेखा सूर्य पर्वत की तरफ यदि जा रही हो तो सूर्य पर्वत पर जाने से व्यक्ति के जीवन में सरकार से संबंधित या सरकारी नौकरी आदि से संबंधित बहुत अच्छे फल मिलते हैं। बहुत नाम, नेम, फेम और बहुत सारे धन का अधिकारी होता है। साथ में ही ऐसे व्यक्ति ललित कलाओं के, कई प्रकार के टैलेंट या कला होती हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर, और वो कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से या फिर एक वर्चस्व रख करके उच्च पदों पर या फिर कलाकारी के माध्यम से अपने जीवन में तरक्की, बहुत तरक्की पाते हैं। मित्रों, यदि भाग्य रेखा यदि सीधा बुध पर्वत पर यदि जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति जो जातक होते हैं दोस्तों, वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कारोबार हो, कई तरह के कारोबार हैं, तो किसी भी कारोबार में जाकर के, यानी कि कारोबार बिजनेस में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं और अपने जीवन में बहुत सारा उन्नति पाते हैं। दोस्तों, यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जा रही हो और शनि पर्वत से अचानक कुछ शाखाएं मुड़ती हुई बृहस्पति पर्वत पर हो या फिर शनि रेखा आधे से जाकर के बृहस्पति पर्वत पर किसी भी प्रकार से पहुंच रही हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पदों को प्राप्त करते हैं, असाधारण तरीके से संसार में पूजे जाते हैं, असाधारण तरीके से उन्नति प्रदान उनको प्राप्त होती है। बहुत जल्दी उम्र के काफ़ी छोटे पड़ाव में ही उन्हें बहुत सारी उन्नति प्रदान होती है और काफ़ी सफल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि बृहस्पति पर्वत पर यदि शनि रेखा जाते हुए दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रणय संबंध में, वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छा सुख प्राप्त करते हैं। ये अच्छे प्रणय संबंध का संकेत देती है। बृहस्पति पर्वत पर शनि रेखा जब पहुंच जाती है तो उच्च सम्मान जनक पद और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में मिलती है। तो
सरकारी उच्च पदों पर वो पहुंच सकते हैं जो जिनकी बृहस्पति जिनकी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर हो, सूर्य पर्वत पर हो, या सूर्य पर्वत या फिर गुरु पर्वत पर हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। कारोबार के संबंध में बुध पर्वत पर यदि रेखा चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति शनि और बुध पर्वत पर जाने से ऐसे व्यक्ति कारोबार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही तरक्की पाते हैं। दोस्तों, आगे हम भाग्य रेखा के लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए भाग्य रेखा के, कौन से भाग्य रेखा के लक्षण, कौन से लक्षण बहुत ही शुभ माने जाते हैं, आइए जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। सो अधिक जानकारी के लिए या फिर कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।